हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, उसका मकसद क्या था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि मतलब उसके ऊपर कुछ थ्योरीज भी है, हाइपोथेसिस भी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि इंसान को क्यों बनाया होगा, किस भगवान ने बनाया होगा, और वो भगवान था या एडवांस टाइप का एलियन था, एडवांस जो थे एलियंस सिविलाइजेशन, हाँ उन्होंने बनाया होगा, लेकिन उन्होंने बनाया तो क्यों बनाया, तो उसके ऊपर कुछ थेरीज है। जैसे कि एक हाइपोथेसिस आ रही है सामने, जो जू हाइपोथेसिस करके थे, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा उल्लेख किया है कि किस तरह से हमें मतलब क्यों बनाया होगा। 1973 में जॉन बॉल करके एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने उन्होंने ये हाइपोथेसिस है उसके ऊपर उन्होंने मतलब तो लोगों के सामने लाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है, इस थेरीज में इतना ही है कि ऐसा हो सकता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल एक जू है, चिड़ियाघर है, वो चिड़ियाघरों में हर प्राणियों को हमने इस तरह से रखा है, मतलब केज में रखा है, उसी प्रकार मतलब उनको हम लोग देख सकते हैं, बट वो हमें देखे या ना देखे ये हम पे डिपेंड है, हमें दिखाना है उनको हम है या नहीं। उसी तरह बड़े लेवल पर अगर ऐसे समझो कि ये मतलब ये जो एक अर्थ है, हमें इस प्रकार से रखा है कि हमें वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने बनाया, बट हम लोग उन्हें नहीं दे सकते, उनके मन पे ऊपर है कि हमें दिखाना या नहीं दिखाना है, मतलब सामने आना या ना आना, ये उनके ऊपर है। बट मतलब उसमें भी बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि हम लोग मतलब टेक्नोलॉजी में इतना इवॉल्व होते जाइए और हम लोग खुद उनको मतलब हम लोग खुद उनको ढूंढ ले या मतलब उन तक पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे दो टाइप का हो सकता है कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे, और या ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ स्पेशल टाइम का इंतजार कर रहे हैं, फिर बाद में सामने आ सकते हैं। बट इतना तो फिक्स है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें जैसे हमें जिसने बनाया जो थे एलियंस सिविलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे होंगे, बट हमें हमने इतना ढूंढा, इतने सिग्नल्स भेजे, हर मतलब जो अपने जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके मतलब आधा जो था उसमें तो हमने भेज के देख लिया है सिग्नल्स, वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं, और जो मिले उसमें कुछ मतलब डिकोड नहीं हुआ, बट इतना फिक्स है कि वो जो हमें जिसने बनाया है जो एलियन सिविलाइजेशन, वो नहीं चाहती है कि हम किसी के साथ बात करें, वो ये भी नहीं चाहती है, वो एज अ एक प्रयोगशाला, एक लैबोरेटरी ऐसा ये अर्थ को बनाया, बस उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक लोग कैसे नेचुरली नेचुरली इवॉल्व होते जा रहे जाएंगे आगे, और बस मतलब वो लोग यही चाहते होंगे। और ये जो हाइपोथेसिस है उसमें भी यही लिखा है कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे, या वो लोग किसी स्पेशल टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग मतलब वो टाइम पे वो सामने आए। बट देखो ना कितना बड़ा यूनिवर्स है, ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि अर्थ में एक मतलब अर्थ सन से इतना दूर था, ये मतलब ऐसा ये हो गया कि मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं ज़्यादा भी पास नहीं, इसके वजह से वो क्लाइमेट बना, ये मतलब ऐसा हुआ, मतलब ऐसा तो बहुत सारे इसमें हो सकता है ना। ऐसे हर सोलर सिस्टम में ऐसे एक प्लैनेट है जो अर्थ के जैसा ही अर्थ के डिस्टेंस पे इतना ही मौजूद है, फिर वहाँ भी मतलब वहाँ भी हो सकते, फिर तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट पे है, बहुत सारे प्लैनेट अर्थ की तरह है, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग अकेले हैं, अकेले नहीं है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एलियंस होंगे, बट ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी से बात करें, और वो बात करने मतलब उनके हाथ में, हमें लग रहा है कि हम जी रहे, देखो ना हमारा जन्म होना भी उनके हाथ में था, हमारे हाथ में खुद के हाथ में कुछ भी नहीं था, हमारा जन्म घट गया,
हमने जन्म नहीं लिया, ऐसा नहीं, जन्म लिया, जन्म घट गया अपना, मृत्यु भी घट जाएगी, हमें पता भी नहीं कब मरेंगे क्या मरेंगे, बट सब मरने वाले। तो उसी तरह तो बीच की डोर है जीवन की, तो हम लोग ऐसा मान तो नहीं सकते कि हमारे हाथ में, वो भी उनके ही हाथ में, वो जो चल रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही चल रहा है आज के लिए। मतलब आज जो देखा हमने, जो हाइपोथेसिस आज के लिए इतना ही है इस हाइपोथेसिस में। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए थेरीज के साथ।